चलेगी पप्पी अम्मा? सड़क तक गया था मैं उनके पीछे, हाथ पैर जोड़े, नहीं रुकी, नहीं चलेगी। अल्लाह खैर करे, मेरे घर से नाराज हो गई वो। बुजुर्गवार की नाराजगी मोल ली है, अल्लाह खैर करे, तुमने नाराज किया उन्हें। कहते हैं घर से जब कोई अल्लाह वाले नाराज होकर जाए ना, तो घर की सारी बरकतें रहमतें सब अपने साथ ले जाते हैं, नुसरत फैल जाती है सारी घर में। अल्लाह वाला कौन है ये तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है, और घर में बरकतें तो घर में रहने वाले मकीनों के अमाल से हों। तुम तो यही कहोगी, उन्होंने जबरदस्ती तुम्हारी शादी जो मुझसे करवा दी, तुम्हें कहाँ अच्छी लगेंगी वो। अरे मैं ही बेवकूफ था तो यही समझता था कि तुम मुझसे शर्मा रही हो। हालांकि तुम तो इस घर में नहीं आना चाहती थी। जिस उम्र में लड़कियां ख्वाब बुनती हैं, जो रेशम से भी ज्यादा नाजुक होते हैं, वो रागुजर तो मेरी जिंदगी में कहीं बहुत पीछे रह गई थी। मैंने तो अपनी जिंदगी का सुकून इबादतों में ढूंढ लिया था। अल्लाह की जात ही मेरी पनाह है। मुझे क्या मालूम था कि क्यों अचानक ही मेरी शादी कर दी जाएगी। अपने फैसले मुझ पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे, मेरी जिंदगी इस घर के साथ जुड़ जाएगी, आपके साथ जुड़ जाएगी। तो कैसे शख्स के साथ जो पहले से एक जवान बच्ची का बाप है। नहीं सोचा था, शायद ऐसा कोई लड़की नहीं सोचती। इसलिए आप समझ सकते हैं कि मेरा रंज पितरी था। लेकिन अब आपसे शादी के बाद बीवी के फराइज से नावाकिफ नहीं हूं, और इंशाल्लाह आपको मुझसे कोई शिकायत भी नहीं होगी, क्योंकि ये मेरे अल्लाह का हुक्म भी है। बाकी जो बात गुजर गई सो गुजर गई, माजी में ना ही झांके तो बेहतर, क्योंकि माजी में झांकने से कुछ नहीं मिलता सिवाय उदासियों के और बेसब्री के। तो मैं इतनी मुतमईन हूं ना, आतिका अम्मी ने फुप्पी अम्मा को ऐसी खरी खरी सुनाई है, ऐसी खरी खरी सुनाई कि वो भी याद रखेंगी। उल्टे कदमों के साथ वापस गई हैं और इंशाल्लाह कभी वापस नहीं आएंगी। आतिका अम्मी ने मेरा बहुत साथ दिया रेहान, आज तो उन्होंने मुझे अपनी सगी अम्मी की कमी महसूस नहीं होने दी। और एक बात बोलूं, शायद मेरी अपनी माँ भी भूपी अम्मा का ऐसे मुकाबला नहीं कर सकती थी। बाकी अब्बू रहते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि वो अब्बू को भी संभाल लेंगी। वाह भाई, तुम्हारी ये आतिका अम्मी तो बड़ी कोई पहुंची हुई चीज लगती है, इनसे तो मिलना पड़ेगा। तुम्हारी भूपी अम्मा को घर से निकाल दिया, अनबिलीवेबल। हाँ, तुम जब उनसे मिलोगे ना, वो तुम्हें भी बहुत अच्छी लगेंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। रयान, तुम्हारे पेरेंट्स माने के नहीं,
मुझे तुम्हारी अम्मी की बहुत टेंशन होती है। पता नहीं हमारी जिंदगी में क्यों इतनी मुश्किलात हैं। वो मोहब्बत ही क्या जो मुश्किलात का सामना ना कर सके। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुमने अभी तक बताया नहीं कि तुमने अपने पेरेंट्स को मना भी लिया है कि नहीं। रियान कुछ तो बोलो। चुप क्यों हो? मुझे घबराहट हो रही है। कल शाम की जाय पे अच्छा सा इत्माम कर लेना। सच्ची? तुम बाकी रिश्ता लेकर आ रहे हो? अरे आहिस्ता, चिल्ला चिल्ला के पूरे मोहल्ले को जगाओगी? मेरा बस चले सर, मैं खुशी से चीख चीख पूरे शहर को जगा दूं। तुम्हारी इस बात ने मुझे इतनी खुशी दी है। तुम वाकई रिश्ता लेकर आओगे? ओह, हाथ जल गया। सब बहाने। तुम सच कह रहे हो ना? चलो उठो, चलो 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 चलो। अरे अभी तो आया हूँ मैं। रियान घर जाओ, देर हो गई है। थोड़ी देर और यार, जा रहा हूँ। सुनो, कल वाकई रिश्ता लेकर आ रहे हो ना? हाँ। अब मैं पूरी रात से ये सोचती रहूंगी कि जब तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ेगा कैसा लगेगा। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आओ बैठ के सोचते। घर जाओ अपने, जाओ। बाय। मुझे पता है मेरी माँ नाराजगी में भी मेरे बारे में ही सोच रही है। ये देखें, मैंने आपके लिए कॉफी बनाई है अपने हाथों से, और ये रहे आपके फेवरेट कुकीज। मुझे नहीं पीनी, तुम पी लो। मैं तो पीऊंगा, लेकिन अपनी मम्मी के साथ। कहा ना मुझे नहीं पीनी, काम करने दो। अपने इकलौते बेटे को प्यार करना और उसकी खुशी में खुश होना भी आपके लिए बहुत जरूरी है।
है मेरी खुशी की परवाह? ऑफ कोर्स है, लेकिन मम्मी तैयबा मेरी मोहब्बत है। अगर आप इस तरह हर वक्त रंजीदा रहेंगी तो मेरी खुशी तो अधूरी रह जाएगी ना। मैं मानता हूं आपने मुझे जिंदगी की सारी खुशियां दी हैं, जब जो चाहा आपने मुझे प्रोवाइड किया, लेकिन यही सबसे बड़ी खुशी में आप खुश नहीं है, ये कहां की मोहब्बत है? जाने है ना तुम्हारे अब्बा तुम्हारे साथ, कह दिया ना उन्होंने, मां जाए ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, तो तुम्हारा प्लान पूरा हो गया। बस यही चाहते थे तुम, घर में महाज खड़ा करना, अपने बाप को अपनी माँ के खिलाफ खड़ा कर दिया था, अब तो खुश होना चाहिए तुम। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? कौन औलाद अपने माँ बाप के बीच में महाज खड़ा करेगी? अभी मैं चाहता हूँ अगर आप तैयबा के घर जाए तो किसी प्रेशर में या जबरदस्ती या मेरे या बाबा की वजह से ना जाए, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी खुशी से जाए, अपनी बहू का हाथ मांगने जाए, कोई जोर जबरदस्ती करके आपसे ये रिश्ता। आप समझ तो रही है मैं क्या कह रहा हूं मम्मी, मैं अगर आप खुश नहीं होंगी ना तो मेरी खुशी वाकई में अधूरी होगी। मम्मी क्या आपके लिए ये काफी नहीं कि तैयबा आपके इकलौते बेटे की चाहत है, सबसे बड़ी चाहत? आपको तो मेरी ये खुशी सेलिब्रेट करनी चाहिए, लेकिन मैं क्यों उदास? आई लव यू, मुझे पता था आप मान जाएंगे। थैंक यू। अम्मी 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 अम्मी, हाँ क्या? मैं आज इतनी खुश हुई, सब छोड़े ना आप। आपको पता है मैं आज पूरी रात नहीं सो सकी, वो लोग शाम में आ रहे हैं। रियान की अम्मी मान गई, रियान के घर वाले मान गए, मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ फाइनली मेरा होने जा रहा है। आप मेरा साथ तो देंगी ना? देखिए आपने मुझसे वादा किया था, और अगर आप मेरा साथ देंगी मैं आपको सारी जिंदगी दुआएं दूंगी। वैसे तो मैंने आज तक कोई ख्वाहिश की नहीं है, और अगर कोई ख्वाहिश की है तो वो पूरी हुई नहीं है। रियान मेरी ख्वाहिश है, मेरी मोहब्बत है, आप मुझे से शादी करवा देंगी ना? बोले आपने मुझसे वादा किया था। आप वो दरअसल मैं ये कुछ कह रही थी ना, चुप क्यों हो गई? बोलो क्या कह रही थी? अबू वो मैं बोलो अबू मैं और रियान बचपन के बहुत अच्छे दोस्त थे, तो फिर तो वो पसंद करता है मुझे। और तुम शादी करना चाहते हैं मुझसे? और तुम और मैं भी, रियान मेरी वाहिद ख्वाहिश है, हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपको तो पता नहीं है लेकिन उसकी और मेरी सोच भी बिल्कुल एक जैसी है।
और मैं उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। क्या लगता है कि मैं दुश्मन हूं तुम्हारी खुशियों का? कभी कभी हम अपने एहसासात का इजहार नहीं कर पाते, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारे अंदर एहसास नहीं है। माना कि तुम्हें सारी दुनिया की खुशियां नहीं दे सका, लेकिन ये खुशी मैं तुमसे नहीं छीनूंगा। अबू, आप मुझसे वाकई इतनी मोहब्बत करते हैं? कहा तो सही भी, तुमसे दोस्ती नहीं कर सका तो क्या तुम्हारा दुश्मन बन जाऊं? शूबी को भी इसलिए पसंद किया था कि तुम्हें अपने से करीब रखना चाहता था। खैर, अब तो ये लड़का भी मोहल्ले का ही है, रहेंगे साथ, लड़ेंगे झगड़ेंगे। कब आ रहे हैं लोग? आज शाम को आएंगे। वहां से पैसे ले लेना और अच्छा सा इंतजाम करना। डर लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि अबू पता नहीं क्या कर देंगे, और मुझे तो यकीन नहीं आ रहा अबू ने मेरी बात इतनी आसानी से मान ली। बाप है वो तुम्हारे, और माँ बाप तो जो भी खुशी चाहते हैं ना, वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन अबू ने मेरी बात इतनी आसानी से कभी नहीं सुनी। पहले फूफी अम्मा थी ना, तो सिर्फ उनकी सुनते थे, अब वो चली गई है और तो देखो, लेकिन अब तुम्हारे बाप बनकर सोचते। ठीक कह रही है, और अभी तो कितना काम करना है, इस ड्राइंग रूम की सफाई करनी है, रिफ्रेशमेंट बनानी है, सब कुछ कैसे होगा? आराम से हो जाएगा सब। अरे सब कुछ कैसे होगा, मुझे तो इतनी घबराहट हो रही है, मिस तानी को सब कुछ परफेक्ट चाहिए होता है। हो जाएगा, मिलके कर लेंगे, अभी वक्त है। हाँ, लेकिन पहले वो सामान तो मंगाओ ना, शोभी को भेजो बाजार। हाँ मैं मंगवा लेती हूँ, लेकिन 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 हम सब कुछ घर पे बनाएंगे, क्योंकि रियान और मिस्तानी को सब कुछ घर का बना हुआ अच्छा लगता है। आपको पता है मिस्तानी कुकीज तक घर पे बनाती है। हम मिस्तानी के लिए फ्रूट चाट बना लेते हैं क्रीम वाली, और रियान के लिए हम बना लेते हैं चीज रोल, उसको बहुत पसंद है। ठीक है, लेकिन वो लिस्ट तो बनाओ ना और सामान मंगवा लो। और हाँ, दूध दूध चाहिए चाय के लिए। नहीं नहीं नहीं, हम चाय नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि रियान को चाय नहीं पसंद, और अगर मिस्तानी कहीं चली जाए और उनके सामने कोई चाय पेश कर दे, उनको बहुत बुरा लग जाता है। वो कहती है कि जब भी गेस्ट आए तो जूस सर्व करना चाहिए। तो क्या हम तो चाय नहीं दे सकते? नहीं नहीं, आप पी ले। मैं पैसे देती हूँ, सामान मंगवाओ। आतिका अम्मी, फोन आ रहा है आपका, रईस भाई लिखा हुआ है, बात कर ले। ये ले, फोन पिक करें। तुम जाओ जाके वो सामान की लिस्ट तो बनाओ ना जल्दी से। फोन तो पिक कर ले। हाँ हाँ, मैं पिक, अब शोभी को भेजो। आप अभी भी अपने भाई से नाराज हैं? जाओ, मैं पैसे लेकर आती हूँ, लिस्ट बनाओ, जल्दी करो शाम। आतिका अम्मी, अपने भाई से बात कर ले, इतनी नाराजगी अच्छी नहीं होती। जाओ जाओ, जल्दी करें, मेहमान आने वाले हैं। इधर जिंदगी का जिनाजा उठेगा, उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी।
इधर मेरे अरमां कफन पहन लेंगे, उधर उनके हाथों में मेहंदी लगेगी। कियामत से पहले, कियामत है यारो मेरे सामने, मेरी दुनिया लुटेगी। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ है? ऐसे धूप में क्यों पड़े हो? अबे तुम्हें क्या, मैं धूप में पड़ू या छाऊं में? अच्छा भाई, मैंने भी ऐसे ही पूछ लिया था। तो जाके अपना काम करो। हाँ तो काम से ही तो आई हूँ, और आज मुझे तुम बुरे नहीं लग रहे हो। पता है क्यों? क्योंकि आज मुझे इतनी बड़ी खुशी मिली है। ऐसा क्या हो गया? रियान अपने घर वालों को लेकर आ रहा है। चाचू मान गए? हाँ तो क्यों नहीं मानते, एक लौती बेटी हूँ मैं उनकी, और फिर रियान जैसा शानदार लड़का, उस जैसे दामाद, उनको कोई और मिल ही नहीं सकता। मैं भी तो किसी का इकलौता बेटा था, मेरे को शहर में बुलाने की क्या जरूरत थी? जो भी अब्बू मानते या ना मानते, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कभी मानने नहीं वाली थी। और वैसे भी मैंने तो सोच भी रखा था कि अगर अब्बू ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, मैं निकाह के वक्त मना कर देती। मेरे प्यार को ठुकरा के बहुत पछताओगी। तो तुम्हें पाके भी पछताना ही था। हाँ तो मुझे क्यों बता रही हो सब? उन्हें मैं मुंह लपेट के पड़ा हूँ, फिर भी सर पे हाथ खड़ी हुई है। जाओ यहाँ से। शोभी उठो ना। अरे मुझे शाम की रिफ्रेशमेंट के लिए सामान मंगवाना है, प्लीज। यही कहते हैं, वक्त आने पे गधे को भी बाप बना लो। मैं सब समझ रहा हूँ, तो मुझे गधा समझ के बाप बना रही हो ना? अरे क्या ऑल फॉल बक रहे हो, ये लो पैसे, मैं तुम्हें मैसेज कर रही हूँ, वो सामान ले आना। वैसे ही रहने दो, वैसे ही बोल दो, तुम्हारी हर बात याद रहती है मुझे। अच्छा ठीक है, कैसर शुगर लेकर आनी है, वेनिला एसेंस लेकर आना है, स्ट्रॉबेरी टिन लेकर आनी है, चेडर चीज लेकर आना है। और मैसेज कर दो, पता नहीं क्या बोल रही हो। मैं तो मैसेज कर ही रही थी, तुम ही कह रहे हो कि तुमको हर बात याद रहती है। मैं तो उर्दू का बोल रहा था, तुम तो अंग्रेजी में शुरू ही हो गई। आ गया मैसेज। आइए। अच्छा हाँ सुनो, फल लेकर आओ ना, वो ताजा होना चाहिए, गला हुआ सड़ा हुआ फ्रूट ना लेके आ जाना, और जब लेकर आ जाओ तो किचन में रख देना, मुझे बता देना। जिंदगी भर का रोग लग गया छोभी के बच्चे, ऐसे जिएगा इस प्यारी लड़की के बगैर? तो लग रही है हार्ट फेल हो जाने। हाँ क्या वाकई अम्मी? भला देखो तो सही, आते के साथ ही दीवारें चीन उठा दी मेरे और इस्माइल के दरमियान, यानी मेरे कहे की कोई अहमियत ही नहीं। अच्छा इस्माइल भाई इतना कैसे बदल गए? अरे यही तो मुझे समझ नहीं आ रही, उस बेचारी सभिया के साथ क्या सलूक करता था, पाओं की जूती बना के रखा हुआ था, इस घुन्नी आतिका ने अल्लाह जाने क्या जादू किया है कि इसे सर का ताज बना के रख लिया इस्माइल ने। चलो शुक्र है मेरी जान तो छूटी, ना कोई रोक ना टोक, मैं तो बड़ी सुकून में हूँ। अब भले इस्माइल भाई के घर को जहन्नुम बनाए अपने फसादों से। सोचो शहबारा मेरी खानदान में कितनी बेइज्जती होगी, मैं इतने धड़ल्ले से जाके इतनी शान से तैयबा और शोभी का रिश्ता तय करके आई हूँ, अगर ये ना बात बन पड़ी तो मैं कहाँ खड़ी होंगी? अम्मी पराई लड़की है, आप क्या कर सकती हैं? अच्छा तुम तो ये ना कहो, सोचो मेरी बहू के सामने मेरी नाक कट जाएगी, मेरी क्या इज्जत रहेगी? पूरे खानदान वाले मेरी गवाही, मेरे मशवरे, मेरी हर बात को अहमियत देते हैं। कल को ये बात ना हुई तो मेरी बात में तो कोई वजन ही नहीं रहेगा। अम्मी आप दिल पे मत लो, सारा खानदान जानता है आपकी इज्जत, आपकी तौकीर। अगर रिश्ते से इनकार हो भी गया ना तो उनकी बेटी फले फूलेगी नहीं, आप अपना फैसला बस अल्लाह पर छोड़ो। खैर अभी कुछ नहीं कह सकते,
मैं तो रूठ के उठ के चली आई, सड़क तक आया इस्माइल, पर मैं भी ना मानी, बस चली आई। अब देखना आज या कल में ये मुझे मनाने जरूर आएगा और मैं भी ये रिश्ता पक्का करा के ही दम लूंगी। शादी तो तैयबा और शोभी की हो कर रहेगी। लो बताओ भला, पूरी जिंदगी लगती है इज्जत बनाने में, ये किसी कल की आय की वजह से बर्बाद थोड़ी हो सकती है। अच्छा खैर छोड़, तुम बताओ नवीद और रईस को बहन की हुड़क तो नहीं हो रही? नहीं नहीं अम्मी, नवीद को तो याद भी नहीं कि उनकी कोई बहन है। अलबत्ता रईस भाई को देखा है मैंने एक दो बार कॉल मिलाते हुए। नातिका आप ही आगे से फोन नहीं उठाती, कितनी जिद की पक्की है जानती तो है आप। दफा करो, बात ना हो दोनों की यही बेहतर। हाँ ठीक कह रही है अम्मी, बस अब मैं हूँ, मेरा घर है, मेरी मर्जी और मेरा हुक्म चलता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे मेरी बच्ची इसी तरह खुशहाल और पुरसुकून रहे। आमीन आमीन। दादो इस्माइल अंकल आए। देखा आ गया इस्माइल, कहा था ना भागा भागा चला आएगा मुझे बनाने के लिए, जरूर आतिका का मिजाज दुरुस्त करके आया होगा। अम्मी रिश्ते की हामी लेकर ही मानिएगा। अच्छा अल्लाह हाफिज, बात पे बात करते हैं। अकेला आया है ना, पक्की बात है? अकेले ही आए हैं। अच्छा ठीक है बुला ले। सब हो गया? जी आतिका अम्मी बस हो गया है, ट्राइफल रेडी है और बस ये जेली जम जाए। आपने सब कुछ देख लिया, सब कुछ ठीक तो है ना? सब ठीक है, परफेक्ट है। टेंशन ना लो, रिलैक्स करो। मैं कैसे रिलैक्स करूं, जब तक वो आके चले नहीं जाते ना मैं तो ऐसे ही नर्वस रहूंगी। सुने आपने सफाई तो देख ली ना, सही तो है ना? क्योंकि मैंने पंखे भी साफ कर दिए और ये पर्दे गंदे तो नहीं लग रहे ना? रियान अगर मुझे कुछ दिन पहले बताता ना मैंने पर्दे तक धो दिए होते। पर्दे गंदे पहले भी नहीं थे, साफ लग रहे हैं। रियान बहुत सफाई पसंद है, उसको थोड़ी सी भी गंद नहीं पसंद। और मिस्तानी बस अल्लाह करे उनको भी सब कुछ अच्छा लग जाए, कुछ बुरा ना लगे अल्लाह ताला। टेंशन मत लो, उनको कुछ बुरा नहीं लगेगा, तुम्हें कोई कमी नहीं है। रियान की अम्मी को कोई भी एतराज हो। रियान को देखा है आपने, कितना हैंडसम है, कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, एक से एक लड़की आती है वहां पर, फिर भी उसने मुझे चूज किया। और उसकी फैमिली तो परफेक्ट है, मैं तो उसके आगे कुछ भी नहीं हूँ। इंटर पास। ऐसी बातें मत सोचा करो, उसने तुम्हें पसंद करके तुम पे कोई एहसान नहीं किया। कोई भी लड़का किसी लड़की को पसंद करके एहसान नहीं करता। अपने आप को कमतर ना समझ, ना रियान से ना किसी और से, वरना कल को तुम्हें फॉर ग्रांटेड भी ले सकता है, समझ ही नहीं। अम्मी वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ नहीं होगा, लेकिन जैसा तुम्हारा रवैया है ना जो मैं देख रही हूँ वो हो भी सकता है। अच्छा ना आते काम, अभी ये सारी बातें छोड़, अब्बू अभी तक नहीं आए, वो लोग आने वाले होंगे। आ जाएंगे वो, तुम ऐसे करो बाकी चीजें मैं देखती हूँ, तुम जाके ना तैयार हो जाओ। हाँ मैं हो रही हूँ, जाओ जाओ जाओ। जा रही हूँ। सलामुअलैकुम पप्पी अम्मा। वालेकुम अस्सलाम, तुम कैसे हो इस्माइल? में लगता है अभी भी नाराज हूँ मुझसे। तुम्हें मेरी नाराजगी की क्या परवाह भाई? और जो कुछ तुम्हारी बीवी ने इज्जत अफजाई की है उसके बाद क्या समझते हो तुम, क्या होना चाहिए मुझे? मैं माफी मांग लेता हूँ आपसे, बुला दे सारी पुरानी बातों। आज का नहीं है, उससे अंदाजा नहीं है कि मेरी जिंदगी और घर में आपकी अहमियत क्या। अरे तो कौन बताएगा उसे, किससे समझाना था, किसने बताना था?
आइंदा नहीं होगा, ऐसे मैं समझा दूंगा उसे। माफी तो उस दिन मिलेगी जिस दिन तुम मेरी बात का मान रखोगे। तुम्हारी बेवा भावत से बात पक्की करके आई हूँ मैं, पड़ोसी रिश्तेदारों से मिठाई दिखा के आई हूँ। वो माजद के साथ पपी अम्मा, ये मुमकिन नहीं है। मैं तो आया था आपको घर ले जाने के लिए। काहे के लिए? तैयबा का रिश्ता आ रहा है पपी अम्मा, शाम को वो लोग बात करने के लिए आ रहे हैं। क्या रिश्ता तैयबा का? इस्माइल मियां, तुम शायद भूल रहे हो, तैयबा का रिश्ता मैं तय करके आई हूँ सखर में। क्या कहेंगे लोग, रिश्तेदार क्या कहेंगे, ताने मारेंगे मुझे कि जिस इस्माइल से इतना प्यार करती थी, अपना बच्चा बनाया हुआ था, इतना मान था, उसने सर में खाक डाल दी इनकार करके। नहीं, बड़ा अच्छा लड़का है पपी अम्मा, पढ़ा लिखा है, शरीफ लोग हैं, बाप वकील है, माँ टीचर है, शोभी से हजार दर्जे बेहतर है। अरे पराया महल देख के अपनी झोपड़ी को आग नहीं लगाते, तुम उस लड़के को और उसके खानदान को देख के रीझ गए हो। कल को तुम्हारी बेटी के साथ क्या सुलूक करे इसकी तुम्हें कोई परवाह नहीं। अरे शोभी अपना है, देखा भाला बच्चा है, और सुना नहीं कि अपने अगर मारेंगे तो भी छांव में डालेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रही, लेकिन बड़े शरीफ लोग हैं, खानदानी हैं, बरसों से एक दूसरे को जानते हैं, मोहल्ले वाले हैं। अच्छा आप अपने आप को मेरी जगह रख के सोचें जरा कि आपकी बेटी के लिए ऐसे शानदार लड़के का रिश्ता आए तो क्या आप अपनी बेटी को शोभी जैसे लड़के के हवाले करेंगी? हैं? मैं बाप हूं तैयबा, और एक ही एक तो बेटी है मेरी, मैं भी उसकी खुशी और अच्छा मुस्तकबिल देखना चाहता हूँ। पहले कोई रिश्ता नहीं आता था, परेशानी थी, तो मैं राजी हो गया शोभी के लिए, लेकिन अब तो रिश्ता आ रहा है। रिश्ता आया नहीं, रिश्ता लाया जा रहा है। नहीं नहीं आ रहा है, तैयबा को उसकी माँ बराती है लड़के की, और उसी ने पसंद किया है। मुझसे क्या चाहते हो? आपको ले जाना चाहता हूँ, मेरी बेटी की जिंदगी का नया बाप शुरू हो रहा है। आपकी मौजूदगी उसकी खुशियों की जामिन होगी। हम जाओ पप्पी अम्मा, लाहौल पड़े हैं, बावजू बैठी है माशाल्लाह, वो कीमा पालक बनाया उसने आजकल, मुझे पता था कीमा पालक कमजोरी आपकी, मान जाओ ना। तैयबा तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? अबू मेरा फोन नहीं पिक कर रहे, उनको आ जाना चाहिए था अभी तक। हाँ हाँ आ जाएंगे, तुम फोन ही नहीं उठा, शोभी को भेजो। शोभी के बच्चे को भी कहा था, बस मैसेज कर दे कि अबू स्टेट एजेंसी में नहीं है और खुद गायब हो गया। अरे क्यों परेशान हो गए, आ जाएंगे वो, उनको पता है घर पे मेहमान। आतिका मैं कैसे परेशान ना हूँ, मिस्तानी वैसे बहुत मुश्किल से मानी, अबू के बिहेवियर की वजह से अब वो बंदिल हो गई, फिर बहुत मुसीबत हो जाएगी। ऐसे कैसे बंदिल हो जाएंगी, वो देर सवेर हो जाती है, ट्रैफिक देखो कितनी है, ट्रैफिक में फंस गए होंगे, आते होंगे। क्या बिहेवियर है भाई इन लोगों का, ये कौन सा तरीका है मेहमानों को ट्रीट करने का, मेहमानों को बिठा के खुद गायब। कहां लाके फंसा दिया आर्यन? ऐसा बोलो ताने, तैयबा सुन लेगी। सुनती है तो सुन ले, मैं डरती हूँ उससे। 5 मिनट में अगर उसका बाप घर नहीं आया ना, तो 6 मिनट मैंने चले जाना यहाँ से, बता रही हूँ आपको ताहिर साहब। क्या हो गया आपको? मैं यहाँ तुम्हारे पास खड़ी हूँ लोगों को वहां छोड़कर, और कम से कम चाय तो सर्व करें ना। आप जाए ना, अब मुझे लग रहा है अबू आ गए। आ जाओ चलो, मेरे ख्याल में तैयबा के अबू आ गए। कहाँ रह गए थे आप, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। अम्मा को लेने गया था, तुम जानती हो उनके बगैर कोई काम करता नहीं हूँ। आई अस्सलाम वालेकुम। भाई इस्माइल भाई, बड़ा इंतजार कराया आपने। अरे वकील साहब, ये हमारी पप्पी अम्मा है, आप इन्हें हमारी वालदा ही समझें, हमारे खानदान की वाहिद बुजुर्ग है। बैठिए बैठिए, मेरी वाहिद बुजुर्ग। मेरे घर में कोई तकलीफ हो, कुछ हो, इनकी मौजूदगी लाजमी होती है, उसमें इन्हीं को लेने गया था मैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम।
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? ठीक है आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम पुप्पी अम्मा। अरे कैसी हो, जीती रहो। वालेकुम सलाम। तानी बात तुम करोगी या मैं? आप कर लें बात, मुझे तो वैसे भी इन फॉर्मेलिटीज वगैरह में पढ़ने की आदत नहीं है।